देखिए भाई, किताब पर बिदां के इसम बरदोस से इनफस्त मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर आनस्त के दरो अलामत तानीस न बाशत चू रजुलन, व मुअन्नस आनस्त के दरो अलामत तानीस बाशत चू इमरातुन, व अलामत तानीस चहारस्त ता चू तलहतो, व अलिफ मकसूरा चू हुबला, व अलिफ ममदूदा चू हमराउ, व ताय मुकद्दरा चू अर्जुन के दर असल अर्जतुन बूदास्त, बदलील उरैजतुन जेरा के तस्गीर अस्मारा ब असल खुद बुरद, व ईरा मुअन्नस सिमाई गोयंद। अच्छा भाई, मुसन्निफ ने आपको बतलाया था कि जब कोई जुमला ऐसा आए जिसमें अल्फाज ज्यादा हों तो सबसे पहले इसम फेल और हर्फ को अलग अलग कर लें, उसके बाद मुअरब और मबनी को पहचान लें, उनको अलग कर लें, उसके बाद हामिल और मामूल का पता लगा लें, और फिर उनका आपस में रबत देख लें, कौन सा लफ्ज किसके साथ जुड़ा है, कैसे जुड़ा है और किसके साथ नहीं जुड़ा। और जब ये सारी चीजें आप जान लेंगे तो आपको मुस्नद इलै और मुस्नद का पता चल जाएगा, और मुस्नद इलै और मुस्नद का जब आपको पता चल जाए तो आपको जुमले का माना समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुस्नद इलै वो है जिसके बारे में बात की जाए, और मुस्नद वो है जो बात की जाए। और फिर भाई ये चार चीजें अब हमें कैसे पता चलेंगी, तो इन्होंने एक एक की तफसील बयान शुरू की कि इसम फेल और हर्फ को कैसे पहचानोगे, चुनांचे उन्होंने इसम और फेल की निशानियां बयान की। उसके बाद दूसरी बात थी कि मुअरब और मबनी को पहचानना है, उनको कैसे पहचानेंगे, तो मुसन्निफ ने फिर आपको मबनी की किस्में बतलाई कि मबनी आठ किस्म पर है, तमाम जमीरें हैं और अस्माए इशारा हैं और अस्माए मौसूला हैं और अस्माए अफाल हैं, अस्माए अस्वात हैं, अस्माए जुरूफ हैं, अस्माए किनायात हैं और मुरक्कब बिनाई है। ये बार बार दोहराया करो ताकि जहन में ऐसे जम जाए कि सोते जागते कोई पूछे आपको सोचना ना पड़े भाई, और बार बार दोहराने से चीज जहन में बिल्कुल जम जाती है, बैठ जाती है। जैसे सर्फ में आप अबवाब को बार बार दोहराते हैं तो आपको बिल्कुल हिफज हो जाते हैं, कोई कहीं पर भी पूछ ले आप फौरन सुना सकते हैं। तो मबनी की आठ किस्में बता दी, अब मुअरब बयान करने लगे, लेकिन मुअरब से पहले अब कुछ तकसीमें बयान कर रहे हैं कि ये तकसीमात आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर मुअरब और उसकी किस्मों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो गुज़श्ता सबक में वो तकसीमात शुरू की थी और इन्होंने आपको बतलाया था कि इसम जो है उमूम और खुसूस के एतबार से दो किस्म पर है, या मारेफा होगा या नकेरा होगा। मारेफा वो है जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करे, और नकेरा वो है जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत न करे। जैसे मैंने कहा किताब, कोई खास किताब आपके जहन में नहीं आई, बल्कि दुनिया की हर किताब उस पर यह लफ्ज़ बोला जा सकता है कि यह किताब है, तो मालूम हुआ यह नकेरा है। लेकिन अगर इसके बजाय मैं कहूं जैद की किताब, देखो अब कौन सी किताब आपके जहन में आई जो जैद की है, मालूम हुआ अब यह मारिफा बन चुका है, किताब जैदिन, जैद की किताब, यह मारिफा बन चुका। तो मारिफा जो है वो है जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करे। मारिफा मारिफत से है जिसका माना है पहचान, यानी आपको उसकी पहचान होती है। जैसे ही वो लफ्ज बोला जाता है आप समझ जाते हैं किस चीज की बात की जा रही है। अगर वो मुअय्यन चीज आपके जहन में आ जाए तो मालूम हुआ ये मारिफा है। अगर कोई मुअय्यन चीज आपके जहन में नहीं आती, मालूम हुआ आपके लिए ये मारिफा नहीं है, आपको इसकी पहचान नहीं है। तो उसमें बतलाया था कि मारिफा जो है वो सात किस्म पर है, और पहली किस्म क्या है, तमाम जमीरें। जमीरें जो है मारिफा हैं, क्योंकि जमीर दलालत करती है या तो मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या ऐसे गायब पर जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। मुतकल्लिम की जमीर का दर्जा सबसे आला है तारीफ के अंदर, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानता है।
मुखातब का दर्जा दूसरे नंबर पर है क्योंकि मुखातब वो है जिसे आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने मौजूद है, और गायब चूंकि आपकी निगाहों से दूर है लिहाजा उसका दर्जा आखिरी दर्जा है। तो सबसे आला दर्जा जमीरों का है। दूसरा दर्जा आलम का है, नाम, जैसे किसी के मां बाप उसका नाम जैद रखते हैं, किसी का नाम बकर रखते हैं, किसी का नाम खालिद। तो जो नाम लिया जाता है, देखो बेआईन ही वही साथी आपके जहन में उसकी सूरत फौरन आ जाती है। तो ये आलम क्या है, ये मारिफा की दूसरी किस्म। तीसरे नंबर पर अस्माए इशारा हैं, जिनके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। चौथे नंबर पर अस्माए मौसूला हैं, भाई इसमें मौसूल जिसके लिए हमेशा क्या चाहिए, सिला। तो इसमें मौसूल के बाद हमेशा एक जुमला आता है जो इसका सिला कहलाता है, और इसमें मौसूल उससे जुड़कर फिर उसका माना हमें समझ में आता है। तो इसमें इशारा और इसमें मौसूल, इनको मुबहमात कहते हैं। ये मुबहम हैं क्योंकि इसमें इशारा के लिए हमेशा मुशारुन इले चाहिए, ऐसी चीज जिसकी तरफ इशारा किया जाए। और ये इशारा मैंने बतलाया था हाथ या उंगली के जरिए भी हो सकता है और लफ्जों में भी। मसलन मैंने किताब की तरफ इशारा किया, हाजा, आप समझ गए कि इसे ये वाली किताब मुराद है। मैंने आपके कलम की तरफ इशारा किया, हाजा, आप समझ गए कि ये आपका कलम इससे मुराद है। तो ये मुशारुन इले इसके लिए चाहिए, चाहे हाथ या उंगली से इशारा करें, चाहे लफ्जों में उसको जिक्र कर दें, हाजल किताब। तो ये हाजा के बाद अगर अलिफ्लाम वाला इसम आ जाए तो ये उसकी ये सिफत बनता है, मुशारुन इले बनता है। हाजल किताब क्या माना, ये किताब, या हाजल कलम, ये कलम। तो देखा कभी मुशारुन इले लफ्जों में जिक्र होता है और कभी लफ्जों में जिक्र नहीं होता, अलबत्ता उसकी तरफ हाथ या उंगली से इशारा किया जाता है जिससे सुनने वाला समझ जाता है। अगर मुशारुन इले न लफ्जों में होगा न इशारे में होगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मसलन मैं आपके सामने कहता हूं हाजा, कोई इशारा नहीं किया, हाजा, आप कुछ समझे इससे क्या मुराद है, नहीं, इससे पता नहीं चलेगा जब तक मुशारुन इले नहीं। तो इसलिए इसमें इशारा को मुबहम कहते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, मुशारुन इले। और इसमें मौसूल को भी मुबहम कहते हैं क्योंकि इसके लिए सिला चाहिए, भाई सिला, जब तक सिला नहीं मिलेगा मौसूल का माना हमें समझ में नहीं आएगा। तो अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला को मुबहमात कहते हैं क्योंकि अस्माए इशारा मोहताज हैं मुशारुन इले के, और इसमें मौसूल मोहताज है सिले का, भाई। उसके बाद एक मारिफा की किस्म आई थी, मारिफा बन निदा, किसी को आवाज दी जाए। मैंने आपको बतलाया था कि या जो है हर्फ निदा है, अरबी में किसी को आवाज देने के लिए या इस्तेमाल करते हैं, या जैदु, ए जैद, और भी हरूफ इस्तेमाल होते हैं, वो आगे आ जाएंगे, तो बस सिर्फ इस वक्त इतना याद रखें। तो या के जरिए आवाज दी जाती है और आवाज को निदा कहते हैं, निदा। तो या जैदु, ए जैद, और ये या जिस लफ्ज पर दाखिल हो जाए अगर वो नकेरा हो तो ये उसको मारिफा बना देती है। जैसे रजुल, कोई आदमी है, उसको आप आवाज देने लगे, अब नाम तो आपको आता नहीं, आप उसको कहते हैं या रजुलो, ए आदमी, अब ये रजुल क्या है, मारिफा। क्यों मारिफा, क्योंकि इस पर क्या दाखिल हुआ, या हर्फ निदा, और आप एक मुअय्यन आदमी को आवाज दे रहे हैं, या रजुलो, ए आदमी। और अगर काफी सारे आदमी हैं, मुतय्यन नहीं है, आप वैसे ही कह देते हैं या रजुलो, कोई भी इनमें से ताकि मेरी बात सुन ले, तो इस सूरत में फिर याद रखना या रजुलो नहीं कहेंगे, या रजुलन नकेरा कहेंगे, क्योंकि आप किसी मुअय्यन को आवाज नहीं दे रहे बल्कि किसको आवाज दे रहे हैं, गैर मुअय्यन को। बात समझ में आ गई। तो ये या जिस लफ्ज पर जिस नकेरा पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है बशर्ते कि वो मुतय्यन हो, अगर मुतय्यन नहीं तो फिर मारिफा नहीं बनाएगा। इसी तरह अलिफ्लाम है, अलिफ्लाम जब किसी नकेरा पर दाखिल होता है तो उसको मारिफा बना देता है। जैसे रजुलुन नकेरा है, इसका माना है कोई आदमी, लेकिन इस पर अलिफ्लाम ले आए अर रजुलु, तो ये क्या बन गया, मारिफा बन गया, मारिफा। और सातवें नंबर पर था कि जो इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, भाई
तो मारिफा बन निदा के अलावा बाकी सब की तरफ जो भी लफ्ज जो नकेरा मुजाफ हो जाए वो भी मारिफा बन जाएगा, और उसी दर्जे का मारिफा बनेगा जिस दर्जे वाले मारिफा की तरफ वो मुजाफ हो। जैसे गुलामु हो, गुलाम की इजाफत मैंने हा जमीर की तरफ कर दी तो ये गुलाम क्या बन गया, मारिफा। गुलामु हो उसका गुलाम, और किस दर्जे का मारिफा बना, जमीर की तरफ मैंने इसको मुजाफ किया है, ये पहले दर्जे का मारिफा बन गया भाई। तो गुलाम तो आम था, हर गुलाम पर बोला जा सकता था दुनिया के, लेकिन जब आपने कहा गुलामुहु उसका गुलाम, किसी मुअय्यन आदमी के गुलाम की तरफ इशारा किया तो वही मुराद है, दूसरा शख्स दूसरा कोई गुलाम मुराद नहीं। या गुलामु ज़ैदिन, गुलाम तो हर गुलाम पर बोला जा सकता था, लेकिन जब आपने जैद की तरफ इजाफत कर दी अब सिर्फ कौन मुराद है, जैद का गुलाम। और अगर जैद के तीन चार गुलाम हैं, कितने, हां जैद के चार गुलाम है, मैंने आपसे कहा गुलाम ज़ैदिन, जी समझ में आया कौन सा गुलाम मुराद है, नहीं मालूम हुआ, यह अभी भी नकेरा है, क्योंकि मारिफा मैंने क्या बताया था, किसी मुअय्यन जात पे दलालत करे, कोई मुअय्यन गुलाम आया आपके जहन में, अगर मुअय्यन गुलाम आपके जहन में आता तो फिर ये मारिफा था, अब मुअय्यन नहीं आ रहा आपके जहन में तो ये क्या है, नकेरा है। तो आप ये ना कहें ये गुलाम का लफ्ज तो जैद की तरह मुजाफ है, ये हर हाल में मारिफा बनेगा, नहीं नहीं बस जाब्ता वही है, अगर मुअय्यन जात है बनती है और आपके जहन में आती है तो वो मारिफा है, अगर मुअय्यन जात आपके जहन में नहीं आती तो वो नकेरा है। और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि इनमें से चार मारिफा जो हैं वो जात के एतबार से ही मारिफा हैं, इन इनको बनाया ही मारिफा के लिए गया है, एक तो तमाम जमीरें, एक आलम, एक अस्माए इशारा और एक अस्माए मौसूला, ये होते ही मारिफा हैं, इनको वजह ही किस लिए किया गया है, मारिफा के लिए। लेकिन बाकी तीन जो हैं वो नकेरा होते हैं और फिर वो हर्फ निदा या अलिफ लाम या इजाफत की वजह से मारिफा बनते हैं, और अगर इस सबब को आप खत्म कर देंगे तो वो दोबारा नकेरा बन जाएंगे। गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद को खत्म करेंगे गुलाम फिर क्या बन जाएगा, नकेरा बन जाएगा। सूरत समझ में आ गई। और मैंने यह भी बतलाया था कि अलल इतलाक सबसे ज्यादा तारीफ लफ्ज अल्लाह में है भाई, तो इसमें तारीफ जो है जमीरों से भी बढ़कर है, तो ये अलल इतलाक सबसे ज्यादा तारीफ है इस लफ्ज में, लफ्ज अल्लाह में। और लफ्ज अल्लाह आलम है, नाम है खालिक अर्ज़ो समा का भाई। और सबसे ज्यादा तनकीर यानी सबसे ज्यादा उमूम लफ्ज शय उन में है, शय उन, शय उन का माना चीज, ये हर चीज पर सादिक आता है, तो इसमें सबसे ज्यादा उमूम है, इसमें सबसे ज्यादा, तो ये अनकर उन नकेरात है, यानी सबसे ज्यादा तनकीर है इस नकेरा के अंदर। और जबकि लफ्ज अल्लाह जो है आरफुल मारिफ है, तमाम मारिफा में सबसे ज्यादा आरफ है भाई। आगे देखिए भाई, बिदा के इसम बर दो सिंफ अस्त, मुजक्कर व मुअन्नस, मुजक्कर आन अस्त के दरो अलामत तानीस न बाशत चूं रजुलुन, व मुअन्नस आन अस्त के दरो अलामत तानीस बाशत चूं इमराअतुन। अब दूसरी तकसीम करने लगे हैं इसम की जिन्स के एतबार से कि या तो वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। मुजक्कर वो है कि जिसमें कोई तानीस वाली अलामत न हो, और मुअन्नस वो है जिसमें कोई तानीस वाली अलामत हो। तवज्जो है, मुअन्नस कौन सा इसम होगा जिसमें कोई तानीस वाली अलामत हो, वो मुअन्नस है, और जिस इसम में तानीस वाली अलामत न हो वो मुजक्कर है। और आपको बतलाएंगे कि तानीस की चार अलामतें हैं, चार अलामतें। एक तानीस की अलामत है गोलता भाई, गोलता जो लफ्जों के आखिर में जुड़ती है, जारिबतुन, पहले क्या था जारिबुन, फिर इसके आखिर में क्या जोड़ दी, गोलता, जारिबतुन, तो ये मुअन्नस है भाई। फातिहतुन ये क्या है, मुअन्नस। मानियातुन ये क्या है, मुअन्नस। मुकरिमतुन ये क्या है, मुअन्नस। तो तानीस की एक अलामत क्या है, गोलता, जिस लफ्ज के आखिर में गोलता जुड़ी हुई हो समझ जाएं कि ये मुअन्नस है भाई, मुअन्नस।
तानीस की दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा और तानीस की तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो ममदूदा ना हो यानी जिसके आखिर में हमजा ना हो। अलिफ ममदूदा वो है जिसके जिसके अलिफ के बाद हमजा आ जाए, हमजा आ जाए। जैसे हमराउ, हमराउ अलिफ आया आखिर में, किस तरह हा मीम रा अलिफ और हमजा, ये अलिफ के बाद हमजा आ जाए तो ये अलिफ ममदूदा कहलाता है और इसको खूब लंबा किया जाता है। कुरान में भी आप पढ़ते हैं, कहीं पर मद पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मद जहां पढ़ा जाता है वो उसमें जहां अलिफ के बाद हमजा हो वहां पर भी मद पढ़ा जाता है, उसको खींच कर खूब लंबा किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा। और वो अलिफ जिसके आप जिसके बाद हमजा ना हो यानी आम अलिफ, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। ममदूदा मद उनका माना है खींचना, ममदूदा जिसको खींचा जाए। और मकसूरा कसर का क्या माना है, छोटा। मकसूरा का माना छोटा है यानी इसको ज्यादा खींचना नहीं। जैसे हुबला, हुबला देखो आखिर में मैं अलिफ पढ़ रहा हूं, ये क्या है, अलिफ मकसूरा है। अगर अलिफ के बाद हमजा आए तो ये क्या है, अलिफ ममदूदा। और अगर अलिफ के बाद हमजा ना आए तो ये अलिफ मकसूरा है भाई, अलिफ मकसूरा। बात समझ में आ रही है? तो बस तुलबा समझते हैं शायद अलिफ मकसूरा जो है ये खड़ी जबर का नाम है। हुबला इसके आखिर में या लिखते हैं और या के ऊपर क्या लिखते हैं, खड़ी जबर। तो तलबा समझते हैं शायद ये खड़ी जबर अलिफ मकसूरा इसको कहते हैं। नहीं भाई, अलिफ मकसूरा बस अलिफ है लेकिन इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, इसके बाद हमजा नहीं है तो इस अलिफ को क्या कहेंगे, अलिफ मकसूरा। जैसे आसा, आसा आइन स्वाद अलिफ, आइन स्वाद अलिफ। अब देखो यहां पर तो या भी नहीं है और खड़ी जबर भी नहीं है लेकिन ये जो आखिर में है इसको कहेंगे अलिफ मकसूरा। क्या कहेंगे, तो वो अलिफ जिसके बाद हमजा ना आए वो है अलिफ मकसूरा यानी उसको ज्यादा खींचना नहीं, ज्यादा लंबा नहीं करना। और वो अलिफ जिसके बाद हमजा आए वो अलिफ ममदूदा है यानी उसको लंबा करना है, खींचना है। तो तानीस की अलामतें बयान हो रही थी। पहली अलामत क्या मैंने जिक्र की, गोलता है भाई, गोलता। और दूसरी अलामत क्या है, अलिफ मकसूरा। और तीसरी अलामत क्या है, अलिफ ममदूदा। लेकिन याद रखना जहां भी किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए तो आप यह न समझना कि यह मुअन्नस है। अच्छा फिर सुनो, तो तानीस की पहली अलामत क्या जिक्र हुई कि उसके आखिर में क्या आएगा, उस लफ्ज गोलता। दूसरी अलामत है कि उस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए। जैसे हुबला, हुबला, हुबला का माना है हामिला, हामिला वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो, तो हुबला का क्या माना है, हामिला। तो देखो इसके आखिर में अलिफ मकसूरा आ रहा है, आखिर में हमजा नहीं है, अलिफ है लेकिन अलिफ के बाद हमजा नहीं तो ये अलिफ मकसूरा है। और ये किसकी अलामत है, तानीस की। तो हुबला क्या है, मुअन्नस है। और कभी अलिफ के बाद हमजा आता है वो अलिफ ममदूदा है। जैसे हमराउ, हा मीम रा अलिफ और हमजा, तो ये हमरा क्या है, मुअन्नस है, इस क्योंकि इसके आखिर में क्या मौजूद है, अलिफ ममदूदा। तो तानीस की पहली अलामत क्या, गोलता किसी लफ्ज के आखिर में आए। दूसरी अलामत किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा आए। और तीसरी अलामत किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा आए भाई। लेकिन याद रखना किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए या अलिफ ममदूदा आ जाए तो फौरन आप ये ना समझना कि ये मुअन्नस है भाई। ये अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा और मकासिद के लिए भी अरबी में आते हैं, तवज्जो है। ये अलिफ मकसूरा तानीस के अलावा वैसे भी आता है अरबी में, इसी तरह अलिफ ममदूदा तानीस के अलावा भी अरबी में आता है। तो अलिफ मकसूरा जब भी कलाम में आएगा कभी वो तानीस के लिए होगा और कभी तानीस के लिए नहीं होगा। अलिफ ममदूदा किसी इसम के आखिर में आ जाए तो कभी वो तानीस के लिए होगा और कभी तानीस के लिए नहीं होगा। तो अब आप इसको पहचानेंगे कैसे,
कि कौन सा अलिफ ममदूदा तानीस के लिए है और कौन सा नहीं है, कौन सा अलिफ मकसूरा तानीस के लिए है और कौन सा नहीं है। तो याद रखें, पहचान तो पूरी पहचान तो अभी आपको नहीं हो सकती, आहिस्ता आहिस्ता जो जो आगे किताबें पढ़ते जाएंगे आपको पहचान बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बस इतना याद रखें, वो अलिफ मकसूरा और वो अलिफ ममदूदा जो तानीस के लिए होते हैं उनकी एक निशानी यह है कि वो तीन हर्फ असली के बाद आएंगे। किसके बाद आएंगे? तीन सर्फ में पढ़ा यानी हरूफ असली और हरूफ जायद, जो फा आइन लाम के मुकाबले में आए वो क्या है? हरूफ असली। और जो फा आइन लाम के मुकाबले में ना हो वो क्या है? हरूफ जायद। तो वो अलिफ मकसूरा और वो अलिफ ममदूदा जो तानीस के लिए हो उनकी एक निशानी यह है कि वो हमेशा तीन हरूफ असली के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते। अगर दो हरफों के बाद आ जाएं ये अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा, आप समझ जाएं कि ये तानीस वाला नहीं है। तानीस वाला कम से कम कितने हरूफ के बाद आएगा? तीन के बाद आएगा, या तीन से ज्यादा हो जाए लेकिन तीन से कम नहीं। तो तीन हरूफ असलिया के बाद ये आएंगे भाई, ये एक निशानी याद रखना भाई। तो देखो हुबला, हुबला के आखिर में क्या है? अलिफ मकसूरा, और कितने हरूफ के बाद है? तीन के बाद, हा बा लाम, और लाम के बाद फिर अलिफ आ रहा है हुबला। और इसी तरह हमराओ मैंने बताया कितने हरूफ के बाद है? तीन। हा मीम रा के बाद फिर अलिफ है और अलिफ के बाद हमजा। तो ये एक निशानी याद रखना कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा जो तानीस के लिए हो वो कम से कम तीन हर्फ असली के बाद होंगे, उससे पहले नहीं आ सकते। लिहाजा आसा, आसा आइन स्वाद अलिफ, ये आखिर में अलिफ मकसूरा आ रहा है, ये तानीस वाला है कि तानीस वाला गैर तानीस वाला है? हां ये तानीस वाला नहीं, क्योंकि दो हर्फ के बाद आ रहा है। तो कितनी निशानियां हो गई? तीन। पहली निशानी क्या? गोलता। दूसरी निशानी अलिफ मकसूरा। तीसरी निशानी अलिफ ममदूदा। और चौथी निशानी ये बयान करेंगे कि वो ताए मुकद्दरा है। ताए मुकद्दरा, कद्दरा युकद्दिरु तकदीर का माना है फर्ज करना, फर्ज करना। तो ये भी ता जो है ये फर्ज कर ली जाती है, हकीकत में मौजूद नहीं। जैसे अर्जुन, अर्जुन अलिफ यानी हमजा है शुरू में, फिर रा है और फिर ज़ाद है। अर्जुन जमीन को कहते हैं, जमीन। और इस ये असल में अर्जतुन था भाई, असल में क्या था? अर्जतुन था। इसके आखिर में गोल ता जुड़ी हुई थी, फिर इस गोल ता को खत्म कर दिया गया तो अर्जुन रह गया, अर्जुन रह गया। अब इस वक्त अर्जुन है, कोई गोलता जुड़ी हुई है? इस वक्त कोई गोलता जुड़ी हुई नहीं है। तो ये इसको कहेंगे ताए मुकद्दरा, कि ता मौजूद है आप फर्ज कर लें। मैंने बताया था कद्दरा युकद्दिरु तकदीर का क्या माना है? फर्ज करना। तो मुकद्दरा जिसको फर्ज कर लिया जाए तो इसके आखिर में ता, तो अर्जुन आखिर में तो ज़ाद है लेकिन आप फर्ज कर लें कि यहां पर गोलता इस वक्त मौजूद है। तो यह है ताए मुकद्दरा, यह वही गोलता है, कभी लफ्जों में आती है और कभी यह मुकद्दर होती है, फर्ज करना पड़ती है, मौजूद नहीं। जैसे तलहतु, इसके आखिर में गोलता लफ्जों में मौजूद है, और अर्जुन के आखिर में गोलता लफ्जों में मौजूद नहीं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? फर्ज करना पड़ेगा कि यहां गोलता मौजूद है। बात समझ में आ गए? देखिए भाई किताब पर, बिदा के इसम बरदो सिन्फ अस्त, सिन्फ का माना है किस्म, किस्म। जान ले तू के इसम जो है दो किस्म पर है, यानी उसकी दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। एक किस्म क्या है? मुजक्कर, और दूसरी किस्म मुअन्नस। मुजक्कर आनस्त, आनस्त भाई नून पर जबर पड़ना है भाई। मुजक्कर आनस्त, मुजक्कर वो है कि दरो अलामत तानीस नबाशत, के उसमें दरो असल में था दर ओ, दर ओ, दर का माना में, ओ का माना उस,
के दर हो कि उसमें अलामत तानीस न बाशद, उसमें तानीस की कोई अलामत न हो। चूं रजुलन, जैसे रजुल, रजुल में देखो न गोल ता है, न अलिफ मकसूरा है, न अलिफ ममदूदा है, और न यहां ताय मुकद्दरा। वह मुअन्नस आनस, और मुअन्नस वो है कि दरो अलामत तानीस बाशत, के उसमें अलामत तानीस हो। चूं इमरा आतुन, जैसे इमरा आतुन, इमरा आतुन औरत को कहते हैं, मर्द को रजुल और औरत को इमरा आतुन। तो देखो इमरातुन के आखिर में क्या आ गई, गोलता, तो ये तानीस की अलामत मालूम हो, ये लफ्ज़ मुअन्नस है। वह अलामत तानीस चहारस, और तानीस की अलामतें चार हैं, ता चू तल हतु, एक ता है जैसे तल हतु, वही गोलता, तल हतु, मेरी किताब में तनवीन लिखी हुई है तलहा पर, तनवीन नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे, तल हतु सिर्फ पेश पढ़े, तनवीन नहीं, तल हतु, देखो इसके आखिर में क्या है, गोलता। तलहा देखो नाम किसी मर्द का होता है, किसका, आप भी आम सुनते रहते होंगे बात, साथियों का क्या नाम होता है, तलहा, तो नाम तो मर्द का है लेकिन इसके आखिर में गोलता जुड़ी हुई है, और गोलता किस चीज की अलामत है, तानीस की, तो ये लफ्ज़ गोया के मुअन्नस है, मुअन्नस। वह अलिफ मकसूरा, दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा, चूं हुबला, जैसे हुबला, हुबला का क्या माना, हामिला औरत भाई, तो ये देखो आखिर में अलिफ आया और अलिफ के बाद हमजा नहीं है। वह अलिफ ममदूदा, और तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा, चूं हमराउ, जैसे हमराउ, देखो यहां अलिफ के बाद हमजा मौजूद है और यह भी गैर मुनसरिफ है, इसीलिए आप देख रहे हैं हमराउ आखिर में तनवीन नहीं आ रही भाई, ये आगे चलकर आप पढ़ लेंगे, तो बस यानी इसको पर तनवीन नहीं पढ़नी, हमरा उन यूं नहीं पढ़ना, हमरा उ यूं पढ़ें। वह ताय मुकद्दरा, और चौथी अलामत है ताय मुकद्दरा, यानी वो ता जिसको फर्ज कर लिया जाए, चूं अर्ज़ुन, जैसे अर्ज़ुन, ये किसको कहते हैं, जमीन को, कि दर असल अर्ज़तुन बूदा अस्त, कि ये असल में अर्ज़तुन था भाई, ये लफ्ज़ असल में अर्ज़तुन था, आखिर में गोलता मौजूद थी। बदलील उरैज़तुन, अब एक ज़ाब्ता याद रखें, इन्होंने क्या कहा, अर्ज़ुन असल में क्या था, अर्ज़तुन था, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये असल में अर्ज़तुन था, हम तो अरबों से जब भी सुनते हैं अर्ज़ुन ही सुनते हैं, अर्ज़तुन कहीं नहीं सुनते, किताबों में जब भी पढ़ते हैं अर्ज़ुन लिखा होता है, अर्ज़तुन नहीं लिखा होता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके आखिर में गोलता थी, तो आपको ज़ाब्ता बतलाएंगे, याद रखो, याद रखो, जब किसी लफ्ज के असल का पता चलाना हो अरबी जुबान में, तो उस लफ्ज की तस्गीर निकाल लेते हैं, या इसी तरह उसकी जमे तकसीर बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तस्गीर या जमा तकसीर। तस्गीर का जिक्र पहले भी आ चुका है, मैंने बतलाया था कि किसी लफ्ज किसी चीज में छोटा होने का माना पैदा करने के लिए उसको फुआलुन वजन पर ले जाते हैं, फुआलुन, फा आइन या और लाम, फुआलुन, जैसे इसकी क्या मिसाल पहले गुजरी थी, किताब, किताब आम किताब को कहते हैं, और अगर आप कहना चाहते हैं छोटी सी किताब, तो उसको फुआल वजन पर ले जाएं, फुआलुन यानी कुतैबुन, कुतैब का क्या माना, छोटी सी किताब, या उर्दू में कहें किताबचा, किताबचा। और इसी तरह रजुल का माना मर्द, और अगर आप किसी की तहकीर के तौर पर कहना चाहें वो छोटा सा मर्द है, तो आप कहेंगे रुजैलुन, देखा फुआलुन, तो ये तस्गीर है, किस वजन पर लाते हैं, फुआल, उमूमन फुआल, सिर्फ यही वजन नहीं है लेकिन ये आम वजन, बस फिलहाल आप इतना याद रखें, उसको फुआल वजन पर ले जाते हैं। और याद रखो जब किसी लफ्ज की असल का पता चलाना हो कि यह असल में क्या था, अरबी जुबान में लफ्ज में तब्दीली आती है, बाज़ औकात एक दो हर्फ उसमें से गिरा देते हैं या उनको बदल देते हैं, जैसे आप सर्फ में पढ़ चुके हैं, काला असल में क्या था, कावाला था, वाव को किससे बदला, अलिफ से काला हुआ, रमा असल में क्या था,
रामा या था, या को किससे बदला, अलिफ से। तो अरबी में इस तरह हरूफ को बदलते हैं, कभी उनको गिरा देते हैं। तो अब अर्जुन ये असल में क्या था, क्या यही लफ्ज था या कुछ और था? तो इसके असल का पता चलाने के लिए उस लफ्ज को उसकी तस्गीर देख लेते हैं, अरब क्या इस्तेमाल करते हैं। हमने इसकी तस्गीर देखी तो अरब इसकी तस्गीर जो इस्तेमाल करते हैं वो है फुआलतुन वजन पर, यानी उरैज़तुन। इसकी तस्गीर क्या है? उरैज़तुन। आखिर में गोलता आ रही है। किताब की तस्गीर मैंने बनाई, किताब की क्या बनी, क्या बनाई? कुतैबुन। कोई गोलता है आखिर में? नहीं। रजुल की तस्गीर मैंने क्या बनाई? रुजैल। कोई गोलता है? नहीं है। लेकिन अर्ज उनकी तस्गीर हम देखते हैं कि वो अरब जब इस्तेमाल करते हैं तो वो उरैज़तुन बोलते हैं, आखिर में गोलता भी होती है। मालूम हुआ कि अर्ज उन में गोलता मौजूद थी और तस्गीर में वो अभी तक मौजूद है, उरैज़तुन। तो अर्जुन में भी क्या मौजूद थी? गोलता मौजूद थी। फिर उसको क्या कर लिया गया? हजफ कर लिया गया, खत्म, गिरा दिया गया। तो लेकिन तस्गीर में अभी तक मौजूद है। तो अरबी में जब भी किसी लफ्ज की असल का पता चलाना हो कि यह असल में लफ्ज किस तरह था, क्यों इसमें तब्दीली तो नहीं हुई, कोई इसमें हर्फ तो नहीं गिरा, तो उसको तस्गीर की उसकी देख लेते हैं। तो चुनांचे हमने अर्जुन की तस्गीर देखी, तो तस्गीर क्या है? उरैज़तुन। उस तस्गीर में क्या रही है? गोलता। मालूम हुआ असल लफ्ज में भी गोलता मौजूद थी जिसको गिरा दिया गया। मालूम हुआ अर्जुन असल में क्या था? अर्जतुन था। क्या था? अर्जुन असल में अर्जतुन था, गोलता मौजूद थी। तो जैसे किसी लफ्ज की असल मालूम करने के लिए उसकी तस्गीर देखते हैं, इसी तरह उसकी जमे तकसीर भी देखते हैं। क्या देखते हैं? जमे तकसीर भी। किसी लफ्ज की असल का पता चलाना हो तो या तो उसकी तस्गीर बनाकर देख लो या उसकी जमे तकसीर। जमा तकसीर किसे कहते हैं, ये इंशाल्लाह चंद एक आध सबक के बाद उसका जिक्र आ जाएगा, वहां मैं बयान कर दूंगा। बस फिलहाल इतना याद रखें कि इस अरबी में किसी लफ्ज की असल का पता चलाना हो तो उसकी तस्गीर बना लेते हैं, उसकी तस्गीर देख लेते हैं। तो उससे पता चला कि अर्जुन असल में क्या था? अर्जतुन था। तो कहते हैं वताय मुकद्दरा, चौथी अलामत जो है वो ताय मुकद्दरा है। जो अर्जुन, जैसे कि अर्जुन के दर असल अर्जतुन बुदा अस्त, के असल में ये अर्जतुन था। असल में अब आपको कैसे पता चला अर्जतुन था? वजह समझ में आ गई, ये तस्गीर से पता चला। बदलील उरैज़तुन, कहते हैं उरैज़तुन दलील की वजह से, उरैज़तुन यानी उसकी जो तस्गीर है। जेरा के, जेरा का माना है इसलिए के, इसलिए के, जेरा के इसलिए के तस्गीर असमारा, कि तस्गीर जो है वो असमा को बअसले खुद अपनी असल पर बुरद ले जाती है, कि तस्गीर असमारा, के तस्गीर जो है असमा को, असमा जमा है इसम की, के तस्गीर जो है इसमों को बअसले खुद बुरद उनकी असल पर ले जाती है। यानी किसी इसम की असल का पता चलाना हो तो उसकी तस्गीर देख लो, तस्गीर क्या करती है? इसम को अपनी असल पर ले जाती है। जैसा वो असल में था तस्गीर से आपको पता चल जाएगा। उरैज़तुन से पता चल गया कि अर्ज असल में क्या था? अर्ज़तुन था। ये माना है, कहते हैं बदलील उरैज़तुन, उरैज़तुन की दलील की वजह से जेरा के तस्गीर असमारा बअसले खुद बुरद, इसलिए क्योंकि तस्गीर जो है वो इस्मों को अपनी असल पर ले जाती है। व ईरा मुअन्नस सिमाई गोयंद, और इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। इसको ये जिस लफ्ज में ताय मुकद्दरा मानी जाए उसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। सिमा का माना है सुनना, सुनना के। तो देखो अर्जुन का लफ्ज अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। भाई देखो जैसे उर्दू में बाज अल्फाज मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं और बाज मुअन्नस। जैसे मैंने पहले भी मिसाल जिक्र की थी, आप अपनी किताब के बारे में बताना चाहें किसी को तो आप कहते हैं ये मेरी किताब है, और कलम के बारे में बतलाना चाहें तो आप कहते हैं ये मेरा कलम है।
देखो किताब के लिए मेरी का लफ्ज लाए और कलम के लिए मेरा का लफ्ज लाए, मालूम हुआ किताब उर्दू में मुअन्नस है इसलिए आप मेरी का लफ्ज लाए, और कलम के लिए आप मेरा का लफ्ज लाए, मालूम हुआ कलम उर्दू में मुजक्कर है। तो इसी तरह अरबी में भी बाज अल्फाज मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं और बाज मुअन्नस। तीन निशानियां, चार निशानियां इन्होंने बतला दी, कौन सी? जिस इसम के आखिर में गोलता हो वो अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? मुअन्नस। दूसरी अलामत क्या है? जिस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा हो वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तीसरा, जिस इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा हो वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। चौथी अलामत क्या जिक्र की? जिस इसम के आखिर में ताय मुकद्दरा हो वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। लेकिन ताय मुकद्दरा वो तो हमें नजर नहीं आती, वो तो हमें फर्ज करना पड़ती है, तो यानी यूं कहो लफ्जों में कोई अलामत नहीं होती, अर्जुन में लफ्जों में कोई तानीस वाली अलामत नहीं है। तो इसको याद रखिए, इसको कहते हैं मुअन्नस सिमाई। सिमा का माना सुनना, सुनना यानी हमने अरबों से इसको मुअन्नस सुना है, वो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन में बजाहिर तानीस वाली कोई अलामत नहीं, लेकिन हमने जब भी अरबों का कलाम सुना, हमने सुना कि वो इस अर्ज को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सिफत लाते हैं तो मुअन्नस लाते हैं, इसकी तरफ जमीर लौटाते हैं तो मुअन्नस की लौटाते हैं। मालूम हुआ ये लफ्ज अरब किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस की तरह, और अलामत तो कोई नहीं, तो इसको कहते हैं मुअन्नस सिमाई। क्या कहते हैं? यानी सुनने से हमें पता चला अरबों से कि ये क्या है? मुअन्नस है, यानी सिमा सुनने पर मौकूफ है, उससे पता चलता है कि यह मुअन्नस है। तो इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं, यानी लफ्जों में बजाहिर कोई तानीस वाली अलामत नहीं है। याद रखो अरबी में बहुत से अल्फाज हैं, आप आगे चलकर जगह जगह पढ़ेंगे। शमसुन, शमसुन सूरज को कहते हैं, लेकिन देखो यहां इसके आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन अरब इसको क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फेल लाते हैं वो भी मुअन्नस का, इसकी तरफ जमीर लौटाते हैं वो भी मुअन्नस की, इसकी सिफत लाते हैं वो भी मुअन्नस, इसकी खबर लाते हैं वो भी मुअन्नस लेकर आते हैं। मालूम हुआ अरबी में ये लफ्ज़ मुअन्नस है, लेकिन अलामत तो कोई मौजूद नहीं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये मुअन्नस सिमाई है, यानी अरबों से हमने इस तरह सुना है कि वो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दार, दार घर को कहते हैं, देखो इसके आखिर में गोलता भी नहीं, इसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा भी नहीं, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि वो दार के लफ्ज़, दार दाल अलिफरा घर को कहते हैं, कि अरब जो हैं वो दार का लफ्ज हमेशा किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम हुआ ये कौन सा मुअन्नस है? मुअन्नस सिमाई, यानी लफ्जों में कोई अलामत नहीं, लेकिन हमने अरबों से इसको मुअन्नस सुना है। इसी तरह खमरुन, खामीमरा, खमर शराब को कहते हैं अरबी जुबान में, यह भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इसी तरह नार भाई, नून अलिफरा नार, यह भी अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इसी तरह आइन, आइन या नून, आइन आंख को भी कहते हैं, घुटने, कई मानी आते हैं, तो ये भी अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? मुअन्नस इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई? तो ये है मुअन्नस सिमाई। तो मुसन्निफ ने क्या बयान किया कि इसम दो किस्म पर है, या मुजक्कर होगा या मुअन्नस। मुजक्कर कौन सा? जिसमें तानीस की कोई अलामत ना हो। और मुअन्नस कौन सा? जिसमें तानीस की अलामत हो। और तानीस की कितनी अलामतें बयान की? चार। पहली अलामत जिस किस्म के आखिर में गोलता हो, दूसरी अलामत जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, तीसरी अलामत जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, और चौथी अलामत जिसके आखिर में ताय मुकद्दरा हो। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? यह मुअन्नस सिमाई है। ये तो मुसन्निफ की तकसीम है, लेकिन आम उलमा मुअन्नस की इस तरह तकसीम नहीं करते कि उसकी चार अलामतें हैं। आम किताबें नहव की आप खोलेंगे, वहां जरा बेहतर अंदाज में है। मुसन्निफ ने चार किस्में बनाई, लेकिन उन्होंने अव्वलन मुअन्नस की दो किस्में बनाई कि मुअन्नस या कियासी होगा या सिमाई होगा। मुअन्नस या तो, वो जरा आसान है, वो भी सुन लें। वो क्या कहते हैं कि मुअन्नस या कियासी होगा या सिमाई।
कियासी वो है जो कियास के मुताबिक हो, यानी कानून के मुताबिक हो, और सिमाई वो है जो कियास के या कानून के मुताबिक नहीं, बस अरबों से हमने इसी तरह सुना है। और फिर कियासी की तीन किस्में बना दी, कौन सी? एक जिसके वो इसम जिसके आखिर में गोलता हो, दूसरा वो इसम जिसके आखिर में अलिफे मकसूरा हो, तीसरा वो जो जिसके आखिर में अलिफे ममदूदा हो। ये कियासी है, जाब्ते के मुताबिक है। जिस लफ्ज के आखिर में गोलता आए उसको क्या शुमार करना चाहिए? मुअन्नस। जिस इसम के आखिर में अलिफे मकसूरा आए उसे क्या शुमार करना चाहिए? मुअन्नस। और इसी तरह जिस इसम के आखिर में अलिफे ममदूदा आए उसे क्या शुमार करना चाहिए? मुअन्नस। तो ये तीन तो जाब्ते के मुताबिक हैं, ये तीन किस्में, इसलिए इनका नाम क्या रखा? कियासी है, यानी ये कानून के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक। और चौथी किस्म उसका नाम उन्होंने सिमाई रखा, और वो कोई अलामत नहीं है, अलामत नहीं है। दरअसल अरबों से हमने कुछ लफ्ज सुने, बल्कि यूं कहें हमने कलाम अरब को देखा तो देखा कि वो कुछ लफ्जों को मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लफ्जों को मुअन्नस। तो उलमा ने फिर गौर किया कि किन लफ्जों को वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं और किन को मुजक्कर। तो उनको तीन निशानियां मिली, एक गोलता मिली, जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो अरब उसको मुअन्नस शुमार करते हैं। एक जिसके आखिर में तानीस वाला अलिफ मकसूरा उसको क्या शुमार करते हैं? मुअन्नस। एक जिसके आखिर में तानीस वाला अलिफ ममदूदा हो उसको भी क्या शुमार करते हैं? मुअन्नस। मैंने कहा तानीस वाला अलिफ मकसूरा, क्योंकि अलिफ मकसूरा तानीस के बगैर भी होता है। मैंने कहा तानीस वाला अलिफ ममदूदा, क्योंकि तानीस के बगैर भी अलिफ ममदूदा होता है। तो ये तीन तो निशानियां थी जो जो लिखने में या सुनने में तलफ्फुज में समझ में आ जाती हैं। इनको सुनते ही आदमी को पता चल जाता है ये लफ्ज क्या है? मुअन्नस। तो ये तीन तो अलामतें थीं, लेकिन कुछ लफ्ज उलमा ने देखे कि उसमें तानीस वाली कोई अलामत नहीं, लेकिन अरब उसको फिर भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसालें गुजर गईं, अर्ज़ुन, इसमें कोई अलामत नहीं, न गोलता है, न अलिफ मकसूरा है, न अलिफ ममदूदा, लेकिन अरब इसको क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस। इसी तरह नार, नार आग को कहते हैं, इसको भी इसी तरह मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। खमर, इसमें भी कोई अलामत नहीं है, इसको भी क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस। आइनुन, इसके अंदर भी तानीस वाली कोई अलामत नहीं, लेकिन क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस। और इसी तरह शम्स है। तो बहुत से अल्फाज अरबी जुबान में उलमा को ऐसे मिले कि जिनमें तानीस वाली कोई अलामत नहीं, लेकिन अरब उसको क्या करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उलमा मजबूर हो गए और उन्होंने अपने जाब्ते को बचाने के लिए कहा कि इनमें ताए मुकद्दरा है, इन लफ्जों में क्या है? ताए मुकद्दरा है, यानी फर्ज कर लो ता मौजूद है, ये एक अलामत उन्होंने मुकर्रर कर ली, और इसका नाम मुअन्नस सिमाई रखा, क्योंकि इसकी कोई अलामत नहीं है, यह सिर्फ सुनने से ही पता चलेगा। आप कलाम अरब को पढ़ें और उनके अशार देखें, उनकी किताबें देखें, आपको वहां से पता चलेगा कि किस लफ्ज को मुजक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं और किस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां अलामतें हैं, गोलता है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, वो तो आप पहचान लेंगे, लेकिन जहां इनमें से कोई अलामत नहीं और तो वहां आपके लिए पहचानना मुश्किल होगा। वहां फिर आपको कलाम अरब में ढूंढना पड़ेगा कि उन्होंने इस लफ्ज को किस तरह इस्तेमाल किया है। बात समझ में आ गई? तो ये ताए मुकद्दरा, इसका ये क्यों मानना पड़ी उलमा को? क्योंकि उन्होंने जाब्ता बनाया था, तवज्जो है, उन्होंने जाब्ता बनाया था कि जिस इसम में तानीस वाली अलामत होगी वो ही मुअन्नस होगा, जिसमें तानीस वाली अलामत नहीं वो मुअन्नस भी नहीं। तो कुछ लफ्ज ऐसे मिले जिनमें कोई अलामत ही नहीं थी, उन्होंने तो जाब्ता क्या बनाया था? अलामत है तो मुअन्नस है, अलामत नहीं तो मुअन्नस भी नहीं। अब जाब्ता टूट रहा था तो जाब्ते को बचाने के लिए क्या कह दिया कि इनमें इनमें ताए मुकद्दरा मौजूद है, ताए यानी फर्ज कर लो एक ता इनके अंदर मौजूद है। अब जाब्ता बच गया,
तो ताय मुकद्दरा अलामत नहीं है, नजर नहीं आती, लेकिन वैसे मानना पड़ता है। और असल पता हमें अरबों की किताबों से चलता है, उनके अशार से, उन्होंने किसी लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल किया होता है तो फिर हमें पता चलता है ये मुअन्नस है, और अलामत नहीं होती तो फिर हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है, ताय मुकद्दरा है, वो हमें मानना पड़ती है। ज़ाब्ता समझ में आ गया, तर्जमा सारा अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर आखिरी एक सतर देख लें, कहते हैं वताय मुकद्दरा, और चौथी अलामत ताय मुकद्दरा है, चूं अर्ज़ुन, जैसे कि अर्ज़ुन के दर असल अर्ज़तुन बुदास्त, के असल में ये अर्ज़तुन था, बदलील उरैज़तुन, उरैज़तुन की दलील से, यानी फुएलतुन जो इसकी तस्गीर है उस दलील से, जेरा के तस्गीर असमारा ब असल खुद बुरद, बुरद ये रा पर फतहा पढ़ना है भाई, बुरद इसलिए क्योंकि तस्गीर जो है वो इस्मों को ब असल खुद बुरद अपनी असल पर ले जाती है। तस्गीर जिस इस्म की भी बनाओ वो उसकी असल जाहिर कर देगी। वह ई रा मुअन्नस सिमाई गोयंद, और इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। वह बिदा के मुअन्नस बर दो किस्मत, हकीकी और लफ्जी। यहां से एक छोटी सी आसान सी तकसीम कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं कि मुअन्नस खुद दो किस्म पर है, या वो मुअन्नस हकीकी होगा या मुअन्नस लफ्जी। भाई मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं, आसान सी बात है, हर वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद हो उसको मुअन्नस हकीकी कहते हैं, और जिस मुअन्नस के मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद न हो उसको मुअन्नस लफ्जी कहते हैं। जैसे इमराअतुन मुजक्कर है, मुअन्नस है, और इसके मुकाबले में रजुल मुजक्कर मौजूद है, तो जिस मुअन्नस के मुकाबले में मुजक्कर हैवान मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, मुअन्नस हकीकी। तो इमरातुन कौन सा मुअन्नस है, मुअन्नस हकीकी, क्योंकि इसके मुकाबले में क्या मौजूद है, मुजक्कर हैवान यानी रजुल मौजूद है। इसी तरह नाकतुन, नून अलिफ काफ दो नुक्तों वाला और गोलता, नाकतुन ऊंटनी को कहते हैं, और जमल जीम मीम लाम, जमल जो है ऊंट को कहते हैं। तो देखो नाकतुन ये मुअन्नस है, इसके आखिर में क्या जुड़ी हुई है, गोलता, तो नाकतुन मुअन्नस है, और ये मुअन्नस हकीकी है या लफ्जी है, हकीकी है। क्यों मुअन्नस हकीकी क्यों है, क्योंकि इसके मुकाबले में मुजक्कर हैवान यानी जमल मौजूद है, जमल जो है नर ऊंट को कहते हैं भाई। और अगर मुअन्नस के मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद न हो तो उसको मुअन्नस लफ्जी कहते हैं। जैसे जुल्मतुन लाम मीम और गोलता, जुल्मतुन अरबी में तारीकी को कहते हैं, अंधेरे को जुल्मतुन। तो जुल्मतुन मुअन्नस है या मुजक्कर, मुअन्नस। कैसे पता चला, आखिर में गोलता है। और यह मुअन्नस हकीकी है या लफ्जी है, लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद नहीं। इसी तरह कुव्वतुन, काफ दो नुक्तों वाला व मुशद्दद और गोलता, कुव्वतुन, कुव्वत का माना है ताकत। तो कुव्वत क्या है, मुजक्कर या मुअन्नस, मुअन्नस है। आपको कैसे पता चला, इसके आखिर में गोलता मौजूद है, शाबाश। और ये मुअन्नस हकीकी है या मुअन्नस लफ्जी है, मुअन्नस लफ्जी है, शाबाश। कैसे पता चला आपको, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद नहीं है। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वबिदा के मुअन्नस बर दो किस्मत, और जान ले तू के मुअन्नस दो किस्म पर है, हकीकी और लफ्जी। एक मुअन्नस हकीकी है और एक मुअन्नस लफ्जी है। हकीकी जो हकीकत के एतबार से मुअन्नस है, और लफ्जी जो सिर्फ लफ्जों में मुअन्नस है। देखो जुल्मतुन कुव्वतुन लफ्जों के एतबार से तो मुअन्नस है, तानीस की अलामत है, लेकिन हकीकतन ये मुअन्नस नहीं, क्योंकि इनके मुकाबले में मुजक्कर हैवान नहीं। हकीकी आनस, हकीकी वो है कि बाइजाए ओ, तवज्जो है ये लफ्ज को कैसे पढ़ना है, हां इजा, इजा अलिफ जा अलिफ और हमजा, इजा उनका माना होता है किसी के मुकाबले में, किसी के सामने, ब इजाए ओ कि उसके मुकाबले में, तो वह जो है हकीकी आनस,
मुअन्नस हकीकी वो है कि बाइजाए ओ कि उसके मुकाबले में हैवान मुजक्कर बाशत, कोई मुजक्कर हैवान हो, हैवान ये दूसरी लंबी या होनी चाहिए थी भाई, तो उसके मुकाबले में हैवान मुजक्कर बाशत, कोई मुजक्कर हैवान हो, चूं इमरातुन जैसे इमरातुन के बाइजाए ओ रजुलुनस के उसके मुकाबले में बाइजाए ओ ऊ ना पढ़ना, अलिफ पे पेश नहीं पढ़नी भाई, के बाइजाए ओ के उसके मुकाबले में रजुलुनस्त, रजुल है इमरा के मुकाबले में रजुल है, व नाकतुन और नाकतुन किसको कहते हैं ऊंटनी, व नाकतुन के बाइजाए ओ जमलुनस्त के उसके मुकाबले में जमल है यानी नर ऊंट है, व लफ्जी आनस्त और मुअन्नस लफ्जी वो है कि बाइजाए ओ हैवान मुजक्कर न बाशद कि उसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान न हो, चूं जुल्मतुन जैसे जुल्मतुन व कुवतुन, जुल्मतुन का क्या माना तारीकी और अंधेरा और कुवतुन का माना ताकत। अच्छा चलिए बस करें भाई, बात यहां तक समझ में आ गई। आज हमने पढ़ा कि इसम जो है जिन्स के एतबार से दो किस्म पर है, या वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। मुजक्कर वो है जिसमें तानीस वाली कोई अलामत ना हो, और मुअन्नस वो है जिसमें तानीस की कोई अलामत हो, और तानीस की इन्होंने चार अलामतें बतलाईं, एक नंबर एक गोलता, नंबर दो अलिफ मकसूरा, नंबर तीन अलिफ ममदूदा, और नंबर चार ताए मुकद्दरा। और ताए मुकद्दरा जिस इसम में हो उसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं, और मैंने बतलाया था कि ये हम सिमा पर मौकूफ हैं, चूंकि हमने अरबों से एक लफ्ज को मुअन्नस सुना है लेकिन अगरचे उसमें कोई अलामत नहीं होती तानीस वाली, इसलिए उसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। तो मुसन्निफ ने चार अलामतें बयान की, हालांकि चौथी कोई अलामत नहीं है। दीगर मुसन्निफीन ने और तरीके से तकसीम की, उन्होंने कहा कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, या मुअन्नस कियासी होगा या सिमाई होगा। कियासी वो जो कानून के मुताबिक हो, सिमाई वो जो जिसमें कोई कानून ना हो, बस अरबों से हमने उसको मुअन्नस सुना है। और कियासी उसमें फिर बतलाया था, कियासी वो है जिसमें तीन अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए, गोलता हो या अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा। तो ये जिन लफ्जों में आए तो ये कानून के मुताबिक मुअन्नस चीजें, मुअन्नस अलामत आई तो इनको होना भी क्या चाहिए मुअन्नस। और कुछ लफ्ज ऐसे हैं उनमें कोई तानीस वाली अलामत नहीं लेकिन फिर भी अरब उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुअन्नस सिमाई है भाई। हाँ, उसके बाद फिर एक और कीमती बात इन्होंने जिक्र की कि किसी इसम की असल का पता चलाना हो तो उसकी तस्गीर निकाल कर देख लो, तस्गीर से उस इसम की असल का आपको पता चल जाएगा। जैसे अर्जुन, इसके आखिर में गोलता नहीं है लेकिन जब हमने इसकी तस्गीर देखी जो अरब इस्तेमाल करते हैं तो वो इसकी तस्गीर उरैज़तुन इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ में गोलता नहीं थी लेकिन तस्गीर में गोलता है, मालूम हुआ कि लफ्ज़ में भी गोलता मौजूद थी जिसको बाद में हज़फ़ कर लिया गया। तो अर्जुन असल में क्या था, अर्जतुन था, और इसकी तस्गीर से पता चला, तस्गीर इसकी क्या है उरैज़तुन। तो किसी भी लफ्ज की असल का पता चलाना हो तो उसकी तस्गीर देख लो, ये इसी तरह जमाए तकसीर देख लो, जमाए तकसीर का जिक्र आगे आने वाला है। फिर उसके बाद इन्होंने आपको यह बतलाया कि मुअन्नस दो किस्म पर है, या वो हकीकी होगा या लफ्जी। मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं, जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद हो, और मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं, जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान मौजूद ना हो, अगरचे वो खुद तो मुअन्नस है लेकिन कोई मुजक्कर हैवान उसके मुकाबले में नहीं तो वो मुअन्नस लफ्जी है। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।